और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जनमत की रक्षा करें। जो विश्वास जनता ने व्यक्त कर दिया है वो किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। प्रदेश के पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मतों की रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का दायित्व है और कांग्रेस पार्टी इन दायित्व को पूरी तरीके से निभा रही है। और क्या कुछ कहा तरुण भनोट आप भी सुनिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान में विश्वास करती है और जनता के विश्वास के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त करती है। हमने अनेकों अनेक ऐसे प्रकरण देखे हैं जहां जनता के विश्वास को भाजपा ने तोड़ा है, प्रशासनिक कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को साथ में लेकर जनमत को लूटा है। मध्य प्रदेश की जनता ने स्पष्ट जनादेश ईवीएम में बंद है दिया है कि 18.5 साल का कुशासन भाजपा का समाप्त होगा। कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व बहुमत के साथ एक लोकप्रिय सरकार यहां बनाएगी और ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम जनमत की रक्षा करें। जो विश्वास जनता ने व्यक्त कर दिया है वो किसी तरह से उसके साथ छेड़छाड़ ना हो। इसीलिए आज सारे 230 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी यहाँ पे उपस्थित हुए, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए और यही चर्चा हुई कि किस प्रकार से हमको जनमत को बचाकर रखना है और अपने संविधान की भी रक्षा करना है।